स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड मास, या इसको हम सरलीकरण भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा सरलीकरण या बोर्ड मास का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारी प्लेलिस्ट में आप मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें उपलब्ध हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक बोर्ड मास में सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन का पार्ट टू। सबसे पहले स्टूडेंट, इसमें यह समझना होगा हमें कि बोर्ड मास क्या कहलाता है। तो यहां सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब हमें कोष्टक खोलना होता है। ओ का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑफ, यदि कहीं लिखा होता है या फिर कहीं लिखा होता है का, तो इसका मतलब होता है गुणा। फिर हमें ये हल करना होता है। फिर स्टूडेंट्स, हमें डिवाइड मतलब भाग करना होता है। फिर मल्टीप्लाईकेशन मतलब गुणा करना होता है। फिर एडिशन मतलब जोड़, और सबस्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो इस सिक्वेंस में हम तीर की दिशा में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, मतलब सबसे पहले कोष्टक खोलना, फिर ऑफ को हल करना, फिर भाग करना, फिर मल्टीप्लाईकेशन गुणा करना, फिर एडिशन जोड़ करना, और लास्ट में सबस्ट्रैक्शन मतलब घटाना करना। हालांकि जोड़ घटाना का ये सिक्वेंस लास्ट में ये नहीं माना जाता, इसमें आप जोड़ घटाना कुछ भी पहले कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमने आपको रेखा कोष्टक बिनकुलम के बारे में बताया है कि रेखा कोष्टक को हम कैसे खोलते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये वाला सिंबल रेखा कोष्टक कहलाता है। अब यदि कहीं इस टाइप से लिखे हैं, जैसे लिखे हैं 2 ऋण 3, और शुरुआत में यदि ऋण लगा है तो इसका मतलब ये होता है रेखा कोष्टक, ये रेखा कोष्टक कहलाता है, 2 अंकों पर लगा है। इसको खोलने के लिए पहले आप ऋण को लगाए और रेखा कोष्टक को छोटे कोष्टक में बदल लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जब ऋण का अंदर गुणा होगा, ये 2 काय के हैं, धन के हैं, तो सब चिन्ह पलट जाते हैं, या आसमान चिन्हों का गुणा होता है, 2 हो जाएंगे ऋण के और 3 हो जाएंगे काय के, धन के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 अभी धन के थे, अब हो गए काय के ऋण के, और 3 ऋण के थे तो हो गए धन के। मतलब रेखा कोष्टक के पहले यदि ऋण है तब तो हमें इसके अंदर के चिन्ह पलट देना है, और रेखा कोष्टक के बाहर यदि दूसरी कंडीशन पे हम विचार करें, रेखा कोष्टक के बाहर यदि धन है, इस टाइप से लिखे होते ये ऐसा रेखा कोष्टक यहां लगा होता, तो स्टूडेंट धन यदि रेखा कोष्टक के आगे है, इसका मतलब ये कुछ नहीं है, केवल ये 2 ऋण 3 लिखे हैं, कोष्टक खोल गया। मतलब धन यदि आगे लगा है तो ये कुछ नहीं है, और यदि रेखा कोष्टक के आगे ऋण लगा है तो इसका मतलब ये है कि अंदर के सभी चिन्ह पलट जाएंगे। देखते हैं आगे इनको कैसे हम कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखना, कोष्टकों के खोलने का भी एक सिक्वेंस होता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले रेखा कोष्टक को खोलते हैं, फिर इसके बाद में छोटे कोष्टक को खोलते हैं, फिर ये मझला कोष्टक खुलता है, और लास्ट में खुलता है कौन सा, बड़ा कोष्टक। ये सिक्वेंस होता है कोष्टकों के खोलने का। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को खोलेंगे। तो यहाँ 2 ज्यों की त्यों ऋण, ये मझला कोष्टक ज्यों का त्यों ऋण, छोटा कोष्टक 4। अब जब हम इस रेखा कोष्टक को खोल रहे होंगे तो समझना, ये कोष्टक है, इस ऋण का धन 2 में गुणा होगा तो 2 काय के हो जाएंगे स्टूडेंट्स ऋण के, और इस ऋण का जब ऋण में गुणा होगा तो समान चिन्हों का गुणा धन होता है, तो ये 3 काय के हो जाएंगे धन के, और छोटा कोष्टक बंद, ठीक है। रेखा कोष्टक खोल गया, मझला कोष्टक, और लास्ट में बड़ा कोष्टक। जब हम स्टूडेंट्स इसे आगे बढ़ा रहे होंगे तो 2 ऋण, अब हम कौन सा कोष्टक खोलेंगे, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, ऋण। यहां देखो छोटा कोष्टक कैसे खुलता है, वहां ओड मास की तरह प्रक्रिया चलती है। ओड मास मतलब इस सिक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां धन के 4 और धन के 3, धन के 7 हो गए, 7 में से ऋण के 2 घटे, तो यहां धन के कितने बचे स्टूडेंट्स, धन के बचे यहां कितने, 5, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टाइप से यहां, और देखो जब यहां धन के 5 बचे, तो धन का ऋण में गुणा होगा, तो कहने का मतलब ये केवल यहां ऋण 5 आ जाएगा, और ये मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 4 और 3 7, 7 में से 2 गए कितने बचे, 5, और ऋण का धन में गुणा ऋण 5 आ गया। फिर यहां क्या करेंगे हम, 2, अब मझला कोष्टक खोलेंगे तो ऋण का ऋण में गुणा, कोष्टक के बाहर गुणा होता है, हमेशा याद रखें, ऋण का ऋण में गुणा कितना हो जाएगा धन, तो ये हो जाएंगे कितने, धन 5। अब जब हम बड़ा कोष्टक खोल रहे होंगे तो 5 और 2 7, बस ये 7 ही इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा। अगला देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी हमें रेखा कोष्टक के बारे में ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में एक्स ऋण, सबसे पहले हम किसे खोलेंगे, रेखा कोष्टक को, फिर छोटे को, फिर मंझले को, फिर बड़े को, ये सिक्वेंस होता है। बाय ऋण, मझला कोष्टक, जेड ऋण, एक्स। अब देखो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक वाले स्टेप को हल करेंगे, तो बाय अभी धन के थे, कोष्टक खोल रहे तो बाय हो जाएंगे ऋण के, वो जेड थे ऋण के तो जेड हो जाएंगे धन के। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखो, यदि रेखा कोष्टक के पहले ऋण होता है तो अंदर के सभी चिन्ह पलट जाते हैं, या आप मानो कि धन का ऋण में गुणा ऋण, ऋण का ऋण में गुणा धन, कोष्टक के बाहर गुणा होता है।
रेखा कोष्टक खुल गया, छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक और लास्ट में बड़ा कोष्टक। अब रेखा कोष्टक खोलने के बाद में हम छोटे कोष्टक पर विचार करते हैं, छोटा खोलते हैं। एक्स ऋण बड़ा कोष्टक, वाई ऋण मंझला कोष्टक, जेड। अब देखो यहाँ एक्स वाई जेड ही लिखे हैं, कोई जोड़ घट नहीं रहे, तो हम जोड़ घटाएंगे कुछ नहीं। अब इस ऋण का अंदर सब में गुणा कर देंगे तो सब चिन्ह पलट जाएंगे, एक्स का एक थे धन के। स्टूडेंट्स ध्यान रखो, ये नियम होता है ऋण का, जब कभी भी अंदर गुणा होता है तो अंदर के सभी चिन्ह पलट जाते हैं। तो एक्स काय के हो जाएंगे ऋण के, बाय काय के हो जाएंगे स्टूडेंट्स ये धन के, और जेड काय के हो जाएंगे ऋण के। खुल गया मंझला कोष्टक और आप देख रहे होंगे कि अंदर के सभी चिन्ह पलट गए हैं, एक्स धन के थे ऋण के हो गए, बाय ऋण के थे धन के हो गए, जेड धन के थे ऋण के हो गए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक्स ऋण, अब हमने मंझला कोष्टक खोल लिया है, सॉरी छोटा कोष्टक खोल लिया है, हम मंझला कोष्टक खोलेंगे। तो ये देखते हैं कि पहले मंझले कोष्टक के अंदर क्या कुछ हल हो रहा है। हाँ, तो धन की जेड और ऋण की जेड, यशमान चिन्ह घटते हैं, मतलब एक जेड में से एक जेड घटे तो इनको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, जीरो बचता है वो हम लिखते नहीं है। तो कितना बचा यहाँ वाई ऋण, अभी अब डायरेक्ट आप चाहो तो मंझला कोष्टक खोल दो, इस ऋण का इस ऋण में गुणा होगा तो यहां क्या आ जाएगा, ऋण का ऋण में गुणा, समान चिन्हों का गुणा, एक्स हो जाएंगे काय के धन के, और इस ऋण का जब बाय काय के हैं धन के, असमान चिन्हों का गुणा ऋण होगा, ऋण का धन में गुणा हो तो होगा तो बाय हो जाएंगे स्टूडेंट्स काय के ऋण के। लेकिन हम कोष्टक बाद में खोलते हैं, पहले कोष्टक के अंदर जो भी चलता है उसको हम हल करते जाते हैं, यदि वो हल हो रहे हैं। तो देखो अब यहां धन के बाय और ऋण के बाय असमान चिन्ह घटते हैं, मतलब कटते हैं, एक बाय में से एक बाय गए तो इनको कैंसिल आउट कर दो, कितना बचा यहाँ एक्स ऋण, और बड़े कोष्टक में कितना बचा धन एक्स, धन आगे लगाते नहीं वो होते ही। आगे जब हम हल कर रहे होंगे कोष्टक खोल रहे हो तो एक्स जो कहते हो और इस धन का इस ऋण का इस धन में गुणा होगा तो समान चिन्हों का गुणा ऋण, एक्स ऋण एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, और एक्स में से एक्स जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जीरो, या धन के ऋण के कट गए तो कितना बचेगा जीरो, और यही जीरो हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। यदि कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि लगातार मैं कोई भाग 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 इस प्रकार से लिखा होता है तो इसे हम कैसे हल करते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए आप एक सूत्र याद रखें। यदि कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन है ए भागत बी भागत सी भागत डी भागत ई अप टू डैश डैश डैश, तो इसका हल क्या होता है स्टूडेंट्स, ए को हम ऊपर लिखते हैं, बाकी पहली संख्या जो है उसे हमें कहां लिखना है, पहली संख्या को ऊपर लिखना है, बाकी जो कुछ भी है इसके बाद के पूरे हमें गुणा में नीचे लिख देना है, बी गुणा सी गुणा डी गुणा ई, और भी होते तो ये सब गुणनफल में यहां आ जाते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या है इसका फार्मूला, आप याद रखें। तो यहां हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, एक भाग 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 लगातार लगा है तब ये फार्मूला लागू होता है। तो 125 लिखेंगे बटे में ये बाद वाले पांच गुणा फिर ये पांच और गुणा फिर ये पांच, तीन पांच थे तो ये लिख लिए। अब हम जब इनको काट रहे होंगे तो ये 125 बटे, आप चाहो तो गुणा कर लो, 25 पंचे 125, जब ऊपर नीचे के कटते हैं तो 1/1 और 1/1 मतलब एक इसका क्या रहा होगा आंसर आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है ये, इसमें हमने भिन्न को शामिल किया है बोर्ड मास के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कोष्टक को हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन में सबसे पहले हम कैसे हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं और कोष्टक में अंदर की जो प्रक्रिया है वो ओडमास की तरह चलती है, बोडमास नहीं ओडमास, क्योंकि ब्रैकेट को तो हम हल ही कर रहे हैं। तो इसको हम कैसा करेंगे, 1/2 भागित 1/2 और ये क्या लिखा है का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, गुणा, और यही का करके पुनी भाग कर फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण करो भिन्न रीति है जान, मतलब का वाले को स्टेप को ही हमें फर्स्ट हल करना होता है, भाग हम बाद में करेंगे, कोष्टक अभी लगा रहने दो, फिर भागित फिर क्या कह रहे हैं 1/2 धन 1/2 फिर यहां का लिखा, का मतलब गुणा और 1/2। स्टूडेंट जब हम आगे हल कर रहे हो तो का वाला हमें पहले हल करना है, तो 1/2 भागित, अब का मतलब गुणा होता है, तो गुणा कैसा होता है, यदि ऊपर नीचे की कट रहे होते हैं तो कैंसिल आउट करते हैं, हम कट रहे नहीं तो ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे, तो एक एकम एक और दो दूनी चार, क्योंकि यहां कट नहीं रहे। हरिओम स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, तो सबसे पहले हम इस का को हमने बदल लिया काय में गुणा में, और यही गुणा हमें हल करना है, तो यहां भी हम गुणा ही हल कर रहे होंगे पहले, तो 1/2 धन, अब यहां भी का वाले स्टेप को पहले हल करना, यहां गुणा लगा है तो कट रहा नहीं तो ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे, एक एक हम एक और दो दूनी चार, यहां कितना मिलेगा 1/4। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, अब हम कोष्टक को हल करेंगे, इसको जब हम हल कर रहे होंगे तो यहां 1/2 और भाग का भिन्न में भाग को कैसे हल करते हैं, भाग का होता है गुणा, बाद वाली संख्या पलटती है, 1/4 के हो जाएंगे 4/1 भाग ज्यों का त्यों, यहां 1/2 में 1/4 जोड़ेंगे तो एलसीएम ले लेंगे हम, यदि संख्याएं बटे में लिखी हूं बीच में धन्यवाद तो लघुत्तम लेते हैं, 2 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा,
चार, दो का आप चार में भाग 2 बार, 2 का 1 में गुणा 2, 4 का 4 में भाग 1 बार, 1 का 1 में गुणा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां हम गुणा जब कर रहे होंगे तो ये कट जाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां कितना आ जाएगा, 1 दूनी 2/1, मतलब यहां 2 भागित, और यहां कितना मिल गया हमें, 2 और 1 3, 3/4, कितना मिलेगा स्टूडेंट, 3/4। इसके बटे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो 2/1 इस भाग का हुआ गुणा, तो 3/4 के हो गए कितने, 4/3। अब कट रहे नहीं ऊपर नीचे, तो गुणा करते ऊपर ऊपर नीचे नीचे, 4 दूनी 8/3, 1 3 अंश का अंश में हर का हर में, तो 8/3 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहां गुणा लगा है, तो जोड़ना घटाना हम बाद में करेंगे, ऊपर गुणा हल करेंगे, तो 27 का 4 में गुणा कर लेंगे, तो 27 चौक 108, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 2 8 हो तो 10, 108 ऋण 13 चौ 98, 13 चौ 78। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे पहले क्या करेंगे हम भाग, 25 का 5 में भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 25/5, अब 25/5 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 5 का 2 में क्या कर देंगे हम गुणा, आगे अब हम 108 में से 78 को माइनस कर रहे होंगे, 108 में से 78 को घटा रहे होंगे, तो 8 में से 8 घटे 0, 10 में से 7 घटे 3, यहां कितना बच रहा होगा, 30, तो ऊपर बचेगा 30 और नीचे 5 दूनी 10, 10 से 30 कैंसिल आउट हो गया 3 बार, तो 3 इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 6वां, ये हमने एक अलग से क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट्स, यदि इस फॉर्मेट में कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो इनको कैसे हल करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, कहीं भी स्टूडेंट्स यदि लिखा है के या कहीं भी लिखा है का की के, इस टाइप से यदि स्टूडेंट्स लिखे होते हैं, तो इन सब का मतलब होता है मल्टीप्लाईकेशन, मतलब इन सब का मतलब क्या होता है, गुणा, क्या होता है, इन सब का मतलब होता है गुणा। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लिखा है, ये हमने इसलिए लिख दिया ताकि आप भ्रमित ना हो कि के लिखा है तो इसका मतलब क्या है, का लिखा है तो इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट्स चाहे के लिखा हो चाहे का लिखा हो, इन सबका मतलब है मल्टीप्लाईकेशन, इट मीन्स आपको गुणा लगा के हल कर देना है। तो यहां हम जब कर रहे होंगे तो 570 के मतलब गुणा 1/3, फिर यहां का लिखा मतलब गुणा 1/2, फिर यहां का लिखा मतलब 1/5, जो भी लिखा है इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। और सिंपली अब गुणा कैसे हल होता है, सम में गुणा आ गया, यदि कट रहे हैं ऊपर नीचे के तो हम क्या कर सकते हैं, उनको काट सकते हैं, 3 से चेक करते हैं, 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं, 3 से ये कट रहा है कि नहीं, तो 3 का डिविजिबल रूल या 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है, इनको जोड़ के देख लो, 5 और 7 12, 12 में 3 का भाग जा रहा तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग लग जाएगा, या 5 से भी काट सकते हैं जैसा आपको करना है, 2 से भी कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो जब आप इसको 5 से काट दो, चलो आसान होगा, 5 एकम 5 उतारे आए 7, 5 एकम 5 बचे कितने 2 20 हो गए, 5 चौक 20, कितने बार कट गए 114 बार, मतलब हमें यहां क्या मिल गया, यहां मिल गया 114/1 गुणा 1/3 गुणा 1/2। अब इनको फिर आप जोड़ के देख लो, 4 और 1 5 और 1 6, बिल्कुल इनका जोड़ 6 हो रहा, मतलब 3 से ये कट रहे हैं, क्योंकि 6 3 से कटते हैं, तो 3 से 3 तिरका 9 बच्चे कितने 2 24 हो गए, 3 8 24, कितना आ गया यहाँ, आ गया स्टूडेंट्स 38 1 38 1 38 बट्टे 1 2 2 38 बट्टे 2, और 2 से जब 38 काट रहे होंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ आ रहा होगा 19, और 19 हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। बस आप 5 मिनट और हमारे साथ रहे स्टूडेंट्स, यदि यहां तक आपने हमारा सहयोग किया है, इस वीडियो को देखा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप लाइक तो करते ही जाएं। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, यदि लगातार भाग भाग के सिंबल हमें मिल रहे हैं, लगातार ये डिवाइड का सिंबल लगा है, तो इसको हमने कैसे बताया था कि पहली संख्या आपको लिखना है ज्यों की त्यों, बाकी जितने भी हैं वो गुणा में नीचे लिखे जाते हैं, 5 गुणा 5 धन ज्यों की त्यों, ये 5 ज्यों की त्यों, बाकी 2 5 भाग भाग में लिखे हैं ये यहाँ गुणा में आ जाते हैं। जब इसे आगे हम हल कर रहे होंगे 5/25 आ जाएगा, धन 5/5 का 5 में गुणा 25 आ जाएगा, जब हम काट रहे होंगे 5 एकम 5 5/25 5 एकम 5 5/25, कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, ये मिला 1/5 धन 1/5, जब हम 1/5 और 1/5 को जोड़ रहे होंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ रहा होगा 2/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा प्रश्न है, लेकिन यहां भी हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्या ध्यान रखना है कि यहां भाग भी लिखा है और का भी लिखा है, लेकिन बोर्ड मास रूल्स क्या कहलाता है, यहां बोर्ड मास में जो बी के बाद में ओ लिखा है इसका मतलब होता है का, हमें का वाला सिंबल गुणा में बदल के इसे भाग के भी पहले हल
करना होता है। तो हम इसे लिखेंगे 1/5 भागित 1/5, इसका का सिंबल क्या होता है, गुणा, तो यहां गुणा लगाएंगे, फिर 1/5, फिर सबके बटे 1/5, और ये यहां का लिखा है, तो का सिंबल क्या होता है, गुणा, फिर 1/5 भागित 1/5, और का वाले को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हल करते हैं, इसके बाद हम यहां लिखते हैं, तो 1/5 ये ज्यों के त्यों रहेंगे, और गुणा को जब हम हल करेंगे तो 1 × 1 = 25, भागित का सिंबल ज्यों के त्यों ऊपर मिलेगा हमें 1/25, फिर बटे में यहां का वाले गुणा को सबसे पहले हल करते हैं, तो यहां 1 × 1 = 25, यहां भी मिलेगा 1/25, और भागित कितना, 1/5। स्टूडेंट जब हम इसे आगे हल कर रहे होंगे तो इसको भिन्न में, यदि भिन्न के फॉर्मेट में यदि संख्याएं लिखी होती हैं और बीच में भाग का सिंबल होता है, तो कैसे करते हैं, भाग को बदलते हैं गुणा में, और 1/5 जो होगा तो भाग को बदलते हैं गुणा में, ऊपर की बाद की संख्या पलट जाती है, ये नियम है हमेशा, भाग का हो गया गुणा, 1/25 की हो जाएंगे 25/1, फिर सबके बटे 1/25, ऐसा यहां करेंगे 1/25, भाग का हुआ क्या, गुणा, और 1/5 की होगा कितने, 5/1। स्टूडेंट जब हम इसे हल कर रहे होंगे, काटना नहीं, अभी आप यहां इस प्रकार के प्रश्नों में आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आप यहां अंश बटे हर ऊपर भी बचा के चले और अंश बटे हर ऊपर भी बचा के चले, यहां आसान होता है, इसलिए हम 5 से 25 काट नहीं रहे हैं। तो यहां हम ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे 25 एकम, क्योंकि आना तो वही है, 25 एकम 25 और 5 एकम 5, और सबके बटे में 1 × 5 5, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे, 25 एकम 25। स्टूडेंट जब हम इस स्टेप को हल कर रहे होंगे तो ये बीच का है भाग, तो इस भाग को बदलेंगे हम गुणा में, तो ये 25/5 ज्यों के त्यों भाग को बदला हमने काय में गुणा में, और 5/25 के कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 5/25 के हो जाएंगे, पहली संख्या नहीं पलटती, 25/5 ज्यों के त्यों, ये जो 5/25 है जब भाग का हमने गुणा किया है तो 5/25 हो जाएंगे, 25/5। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इनको कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो 5 से 25 कट गए 5 बार, और 5 से अब 25 कट गए 5 बार, यदि गुणा लगा तो काट सकते, तो कितना आ जाएगा, 25 और 25 इसका क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। स्टूडेंट्स बस एक क्वेश्चन और बचा है, आप 2 मिनट और हमारे साथ बने रहें, या फिर स्टूडेंट्स आप ऐसा करें, ये 9वां क्वेश्चन है, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सीधा लिख करके बताएं कि इसका आंसर कितना होगा। दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और स्टूडेंट्स यदि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।